हलका रादौर से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी हरवन सैनी ने हलका रादौर की खेड़ी लाखसिंह गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और सभी से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आपसे वोट मांगने आया हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर सफल बनाएं। उन्होंने सभी से अपील की कि आने वाली 21 तारीख को अपने ऑटो के सामने वाला बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूंगा और पूरे रादौर हलके में विकास कार्य करवाऊंगा। क्षेत्र में विकास तो अब तक हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, ना बीजेपी सरकार में हुआ, ना कांग्रेस में और ना इनेलो में। सड़कों की दुर्दशा इतनी ख़राब है कि सड़कें बिल्कुल ही ख़त्म पड़ी हैं, इसलिए सबसे पहले तो सड़कों का काम किया जाएगा हमारी सरकार बनने में, और उसके बाद हर घर में एक रोज़गार दिया जाएगा युवाओं के लिए। आपकी सरकार के मेन मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने के लिए? हमारी सरकार के मेन मुद्दे एक परिवार एक रोज़गार और 100% आरक्षण, मनरेगा को मजदूर और किसान को मनरेगा से सीधा जोड़ना, और राज्यसभा को ख़त्म करना, जो बेरोजगारी भत्ता है उसको 10,000 रुपये करना, और जो बुढ़ापा विकलांग पेंशन है वो 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करना। ये हमारी सरकार के मेन मुद्दे हैं। वासियों से, रदौर हल्का वासियों से यही विनती है कि आप मेरे को आने वाली 21 तारीख को ऑटो के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाएं, और मैं हल्के में जितने भी विकास कार्य हैं उनको सभी विकास कार्य करने में पूरा जोर लगाऊंगा। और मैं हल्का वासियों से यही विनती करता हूं कि आप साथियों, इलेक्शन में सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं, इसलिए आप सभी मेरे लिए काम करें। साथियों, मैं आपके लिए 5 साल नहीं पूरी ज़िंदगी काम करूँगा, अपने हल्के को पूरी ज़िंदगी अपने हल्के के लिए निछावर कर दूँगा।